उत्तरी 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 वही हुआ भाई मैं यार शिट रुक मुंह की बात सच हो जाएगी। रुक जा ये देखो जी जबरदस्ती जबकि ये गाड़ियों के लिए है नहीं फिर भी गाड़ी अच्छा ले रोहनचल क्या नाम है इसे धर ले। हाँ मैं तो आराम से जा रहा बैठो ठीक है चलो राम राम जी क्या हाल चाल है सभी के तो स्वागत है एक और ब्लॉग में दीपक ब्लॉग टीवी पर। जैसे कि लास्ट ब्लॉग में देखा होगा पता नहीं मैंने लास्ट ब्लॉग सहारनपुर आने का डाला या नहीं डाला पता नहीं मुझे भाई जो भी डाला होगा देख लेना मुझे कुछ पता नहीं रहता कि मैं उसको डालूंगा नहीं डालूंगा बाद में डिसाइड होता है यूट्यूब पर डलेगा नहीं डलेगा। तो सीन कुछ ऐसे मैं होता सहारनपुर से जा रहा हूँ मैं घर और अभी एक क्रेटा गई थी आगे शायद देखी होगी उसमें जीजा दोनों और दीदी भी जा रहे हैं घर पर और पीछे मैं हूँ मैं बाइक लेकर आ गया था ना तो मैं हूँ और मेरा भांजा आयुष तो हम दोनों जा रहे हैं। बस इसको ऑफिस से उठाना है हेलमेट हम दोनों बाइक सुबह ने बोला था गाड़ी में चले जा पर उसको मेरे साथ ही जाना बाइक पे तो फ़ोन रख लिया क्या हाँ फिर अब चाचू फोन कर दे नंबर से खोल लॉक तो खोल। हाँ जी तो हम आ गए हाईवे पे और सिंगल हाईवे भैया इसे थोड़ा सा चलिए 3-4 किलोमीटर फिर डबल मिल जाएगा एक्सप्रेस उस पर कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगा यार क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं है सिंगल पे क्योंकि अपने इधर सिंगल कोई भी एक भी ट्रैक है ही नहीं अब इस साइड या कहीं और ऐसी जगह पे जाना पड़ता है मतलब ऐसा नहीं प्रॉब्लम चलती नहीं है बट जो मुझे डबल पर आने लगा ना क्योंकि आदत वैसी पड़ी है तो वही है सिस्टम। अब पता नहीं गाड़ी क्योंकि बहुत आगे निकल गई होगी हम हेलमेट लेने रुके थे तो वहाँ पे टाइम हो गया हमें 20 मिनट के आसपास तो 20 मिनट में तो गाड़ी पहुँची होगी बहुत दूर तो आगे कहीं मिलेंगे तो फ़ोन दे रखा मैंने अपना आयुष को उसके पास आ जाएगी घंटी उसके हिसाब से देख लेंगे लोकेशन अगर रुके तो बाकी बाइक के लिए तो मैं रुकूँगा 100 किलोमीटर के बाद 10-15 मिनट ब्रेक देने के लिए अगर वैसे नहीं रुकना होगा तो कोई बात नहीं हाई वे याद है कौन सी मूवी में बोलता है ऐसे अरे है नहीं क्या वो कौन सी है वो तो धमाल धमाल का कोई पार्ट है ना भाई। देखो हम आ गए हाईवे पे और मौसम देखो कहीं धूप तो कहीं छाया टोल गेट है 1 किलोमीटर में ही आया रोड खाली मिलेगा भाई पूरा का पूरा क्योंकि टाइम हो रहा है बिल्कुल मिडिल दोपहर ही इस टाइम ना स्कूल ना कॉलेज ना आने जाने वाले और दिन है आज संडे। दो जने बैठे हों बाइक पे तो भाई थोड़ा बैलेंस और अच्छा बनता बाइक का वैसे तो मेरे में मुझ में इतना वजन है कि एक ही आदमी बैलेंस बन जाता है बट कोई हल्का सा आदमी और बैठा हो पीछे तो और ज़्यादा बैलेंस बन जाता है नहीं बैठेगा तो कोई दिक्कत नहीं। कहाँ देखो तो कहाँ का था भाई धूप अब आएगी छाए फिर आएगी धूप ये आ गई फिर आएगी छाए और फिर आगे धूप थोड़ी सी दूर चल के ऐसा मौसम हो रहा है यार ऐसा भी रहे तो मज़ा आ जाएगा भाई बढ़िया मौसम हो रहा है हल्की हल्की छाए सी रहे हवा ठंडी लग रही है बढ़िया धूप में गर्म हवा लगने लगती है इतनी हम पहुंच गए मुजफ्फरनगर अब हमें मेरठ वाला रोड पकड़ना है बस मगर नींद आ रही क्या तो पीछे से पकड़ रखा और आगे को होकर ठीक से बैठते जरूरत न पकड़ने की शर्ट पकड़ ले
और देखो एक राइडिंग बाइक दिखाता हूँ राइडिंग सेटअप के साथ। और भाई लग रहा है मेरे राइडिंग वाइडिंग करके भी आ रहा है, क्योंकि पूरी राइडिंग हो रही है। भाई भाई के क्या है यार, ये कावासाकी की है यार, तगड़ी लग रही है। फिर जो चीज़ है बहुत तगड़ी बन रही, कई लाखों का सेटअप है यार ये। एक तो बाइक इतनी महंगी है, ऊपर से ये सेटअप। वो कहाँ बता रहे हैं, वो कहाँ बता रहे? लो जी कॉल चल रहा और पता चला वो पीछे रह गया, हमें लगा वो आगे चले गए। पीछे कब रह गया? और फिर रुके हैं कहाँ हम? ये बोल हम दादरी पहुंच गए। भाई वो तो रह गए पीछे, जैन सिंह जी तो गया, 5 किलोमीटर दूर है वो, बोर्ड आया था उसका। बैठ फिर, बैठ जैसे घुमा लूं, बैठ भाई। इसका मन नहीं कर रहा है रुकने का, पर वो सब रह गए बहुत पीछे और मैंने रोकने के लिए रुकी थी रुकने के लिए। तो आयुष कह रहा कि जैन सिकंदी रुकेंगे, तो फिर हम रुकेंगे जैन सिकंदी। जैन सिकंदी एक तो पीछे भी गया था, चल फिर देखिए लिए जैन सिकंदी तो आ गया। कौन से वाला यू है क्या भाई, कहाँ लगाऊं फिर? तो है ही ना बाइक लगाने की, किसके सिर पे लगाऊं बाइक? कहाँ लो जी हम आगे जैन सिकंद जी। स्टंट मैन खोल, चले ऐसे तो चल रहा होगा। यहीं बैठ दे, हो गया जी खाना अपना, सिकंजी विकंजी पी ली, कुछ खा पी लिया और क्या बोलते, सभी यहीं आगे दे। ये कम से कम थे हमसे कितना 8-9 किलोमीटर पीछे, पर फिर हमने वेट कर लिया यहाँ आगे। अब तो घर ही जावें फिर, हम तो घर ही जावें। चलो मजा आ गया सिकंजी भी का। मेरठ पहुंच गए हम, वैसे लगभग मेरठ में ही घुस गए हैं। क्या मैं सोचा था पेट्रोल ही डलवा लूं, पर यहाँ तो मुझे बाइक वाइक लग रही है ज्यादा, तो फिर रुकूंगा नहीं यहाँ। फिर आगे देखूंगा यार, आगे और कोई पेट्रोल पंप मिलेगा तो। हम आगे जी मोदी नगर तो ऐसे है हम कि जैसे कि हमने लेफ्ट मोड़ना है ऐसा। आ जा तुझे देखेंगे आगे, मजाक था मजाक, ऐसी बात है, सीरियस नहीं लिया करते, ठीक है मजाक था। लखर रोड है सामने, बस यहाँ से देखो, सुनो मेरी बात। अरे मेरी भैया, ओ यार फाटक अभी खुला है, और मैं बता रहा हूँ फाटक खुला है ना वो गिरेगा, और मैं गिरते हुए के नीचे से निकलूँ। उतरी वही हुआ भाई, मैं यार रुक मुँह की बात सच हो जाएगी। रुक जा।
भाई साहब वही हुआ जो मैंने कहा, पता मैं कह रहा था कि फाटक खुला हुआ है और जब मैं निकलूंगा वो गिरने लगेगा और मैं गिरते हुए के नीचे से निकलूंगा, भाई वही हुआ एकदम वही हुआ जो कहा था। जब मैं जा रहा था सामने से, मतलब मुझे फाटक दिख रहा था ना, तो फाटक बिल्कुल खड़ा हुआ था, रुका हुआ, पता नहीं मेरे मन ने क्यों ऐसा कहा कि फाटक गिरेगा और तो उसके नीचे से निकलेगा। भाई रे क्या बात कह दी। ये देखो जी जबरदस्ती, जबकि ये गाड़ियों के लिए है नहीं, फिर भी गाड़ी घुसा दी यहाँ पे। कहाँ से निकाले भाई? अबे बाइक का यार, ऑटो का है, वो टोल बचाने के चक्कर में कहीं और से घुस गया। कौन है? कौन पूछ रहा? मम्मी? क्यों क्या कह रही? ये बताओ टोल टैक्स से निकल के किसको मजा आता है बाइक बसाने में? सिर्फ 200 मीटर के अंदर जो यार क्या बोलूँ, जो रोड चौड़ा चौड़ा रहता है ना भाई, इसमें आनंद ही कुछ और है। टोल क्रॉस करते ही भगाने का, मतलब ऐसा लगता है ना कोई भागने की परमिशन मिल गई है। लो जी लो, हम पहुंच गए जिंदल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।